वकील दंपति हत्याकांड, एक और आरोपी गिरफ्तार। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में जल्द शुरू होगा जमीनों का डिजिटल सर्वे। वकील दंपति हत्या, रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज बयान, सियासी साजिश से इनकार नहीं। दुपहिया वाहन चालकों को झटका, स्थायी रूप से रद्द होगा लाइसेंस। कोविड 19, तेलंगाना में फिर बड़े मरीज, अब तक 1623 लोगों की मौत। तेलंगाना में बढ़ सकते हैं कोरोना संक्रमण के मामले, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। करीमनगर में फैल रहा है कोरोना, अंतिम संस्कार में भाग लेने वालों में 33 लोग वायरस संक्रमित। अपना पेशा छोड़ने को मजबूर हुए कैब ड्राइवर्स, सरकार से व्यापार गारंटी की मांग। श्रीजा ने बढ़ाया हैदराबाद का गौरव, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने नाम किया पदक। एमएलसी के कविता ने कुंभ संदेश यात्रा को दिखाई हरी झंडी। अवैध होर्डिंग्स के लिए जीएचएमसी ने एक्टर मोहन बाबू पर ठोका 1 लाख का जुर्माना। नलगोंडा में एमएलसी चुनावों के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। डॉक्टर वेणुगोपाल कृष्णा को किया गया तेलंगाना राष्ट्र सार्वभौम पुरस्कार से सम्मानित। वन्य पशु के हमले में 4 साल के बालक की मौत। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश, यातायात प्रभावित। शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में तेलंगाना के कई इलाकों में निकाली गई रैलियां।